तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पे एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क इटर्नल प्लस प्राइमल फियर का। अभी जो ना गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे हम बॉस फाइट करने वाले भाई एक प्राइमल वाले एलोसॉरस के साथ। तो प्राइमल एलोसॉरस वर्सेस हमारा ये बंदर सर जी, देखते चलो कौन भाई यहाँ पे जीतता है। और इनकी फाइट जब तक चल रही है तब तक अपन इंट्रो भी मार देते हैं। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आर्क इटर्नल प्लस प्राइमल फियर का एक और नया एपिसोड। और पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि हमने यहाँ पे जो ना गाइस एंशिएंट वाले दो डायनोस, दो बॉसेज जो ना गाइस उनको टेम करने का काम करा था। और गाइस आज के इस एपिसोड में मैं एक खतरनाक एंड ओपी से एम्पावर्ड वाले डायनो को जो ना गाइस यहाँ पे टेम करने का काम करने वाला हूँ। अबे आप बोलो कि आज कौन से एम्पावर्ड डायनो को हम टेम करने वाले, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और काफी हमको मोटिवेट करता है इसी खतरनाक सी वीडियो बनाने के लिए। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो उन दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि एनी के चैनल पे 100 डेज वाली सीरीज जो ना गाइस वो अभी तक चल रही है। और ब्लॉगिंग चैनल पे बहुत जल्दी हमारा नया एक ब्लॉग आने वाला है, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस दोनों चैनल को। तो चले गाइस करते आज का एपिसोड शुरू। और भाई यहाँ पे इंट्रो अपना खत्म। और यहाँ पे भाई एलोसॉरस की भी पेटी अपन ने भाई फाइनली बना दी। वैसे कितना डैमेज दिया भाई, भाई 8 लाख करके इसको डैमेज दे रहा था और इसकी भुर्जी बना डाली मैंने। तो गाइस मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैं कौन से डायनो को यहाँ पे टेम करने वाला हूँ। तो गाइस आपको पता होगा कि पिछली बार हम जो ना गाइस छुटकू बंदर को लेके ना वाइब्रेंट वैली के अंदर ऐसा कूदी मारने वाले थे, तभी मेरे को वाइब्रेंट वैली के अंदर दिखाई दिया गाइस एम्पावर्ड वाला जो है ना गाइस स्पिरिट वाइब्रन। एंड आज हम उसी को यहाँ पे टेम करने की कोशिश करने वाले। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे वाइब्रन वैली के अंदर जो ना गाइस अपने नागिन को लेके नहीं जा सकता भाई। वैसे जा तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग काम कर लेते हैं भाई, ठीक है। अपन जो ना गाइस अपनी जो गन है उसी का गाइस टेडन टेडन गन किसको चाहिए, गाइस गन किसको चाहिए जब अपने पास ये खतरनाक सा हथियार है भाई। लेकिन उसकी हेल्थ भी भाई उतनी होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ कि उस वाइब्रन के अगर हेल्थ 4 से 5 मिलियन की होगी ना, रुक जाओ। टॉर्पिडिटी मोड कितना डैमेज देता बेटा, ए भाई रैप्टर इधर आना, कितना डैमेज देता, ये 1.5 मिलियन ही डैमेज है। मतलब अगर उसका 2 मिलियन हेल्थ होगा ना गाइस उस वाइब्रन का, तो उसको एक झापड़ दूंगा और वही भी डायरेक्टली नॉकआउट कर लूंगा। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, एक फटके में नॉकआउट भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं भाई। कोई नया तरीका ट्राई करेंगे यार, क्या हर बार नागिन को लेके जाओ उसको ऐसा डस दो और टेम करो भाई, ये तो भाई पुरानी भाई चीजें हो गई, अभी कुछ नया करेंगे भाई, ठीक है। आ जाओ चलो, टॉर्पिडिटी मोड एक्टिवेट, लेट्स गो भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई। अभी जो ना गाइस अपन यहाँ पे इस खतरनाक सी वाइब्रन वैली के अंदर कूदी मार के उसको टेम करने वाले। अरे ये तो हवा में उड़ रहा है बेस्टियो को, फिर भी मारेगा, मैं फिर भी तेरे को मारूंगा, मैं फिर भी तेरे को मारूंगा, चुप चुप के आके रुक जाओ मैं तेरे को मार के चला जाऊंगा, रुक जाओ। अरे यार गोलू बेटा मस्ती ना है, ठीक है रुक जाओ, मस्ती मेरी ना निकल जाए। ये न्याने क्या रे, दिख नहीं रहा कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अरे इसको नहीं मार पा रहा, उसको क्या मारूंगा मैं भाई। ए भाई इधर आ, प्रैक्टिस पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कर दे। अरे बेस क्या किए भाई, उल्टा मेरे को पेलम पाल दे रहा है, वो क्या करेगा मेरे साथ। हाँ नाइस, अरे फिर भी नहीं लगा कैसे। अरे भाई रुक जाओ लाड़ में आ रहा है, लग गया भाई, गन यूज करनी पड़ी भाई। गाइज मैं कुछ गलत तो नहीं करना यार, इसको लेके जाके पेटी ना बन जाए गाइज मेरी, ठीक है गाइज। कोई ना गाइज, योगा से होगा। हेल्थ कितनी है हे? अरे बाप रे, 7 मिलियन है। नाइस, जय भद्रकाली, लेट्स गो। डर के आगे गाइज मौत है ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है भाई, सीधा कूद जाऊंगा लावा में, भुर्जी बन जाएगी, 5-10 हजार का डैमेज पड़ेगा। कुछ जा। अरे मारना नहीं, अभी कूले वाला टैंक। अरे भाई ओरी भैया, अरे टॉर्पिडिटी मोड एक्टिवेट, टॉर्पिडिटी। अरे भाई एक पुप्पी दे दी भाई, उसने एक चुम्बी दी मेरे को डायरेक्टली भाई पे, बट मैंने जा रहा ये भाई फालतू चीज लेके भाई काफी ज्यादा क्लोज जाना पड़ता है, उसने क्लोज जाने तक तो वो डायरेक्टली एक बाइट अटैक करके मेरी भुर्जी बना देता भाई, बहुत गंदा मारा भाई। मेरे को कितना डैमेज पड़ा, एक मिनट रुक जाओ, डैमेज कितना पड़ा मेरे को दिखाना ना। अरे यार डैमेज नहीं दिख रहा भाई,
मेरे को 10-20 हजार का तो डैमेज पक्का पड़ा होगा यार। एक फटके में डायरेक्टली मेरी पीढ़ी बना दी उसने। मैं नहीं जा रहा वापस से लेके भाई। अरे यार लेकिन नागिन भी हवा में उड़े नहीं सकती भाई। गाइस क्या करूँ मैं? मेरे को जो है ना कहते उसको ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लेके आना पड़ेगा। अगर मैं नागिन को लेके जाता हूँ ना तो दिक्कत क्या है पता है क्या अपनी गाइज? नागिन जो है ना गाइज वो उसको हवा में मार नहीं पाएंगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, ऐसे कि मैं एक काम कर लेता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। मैं एक काम करूँगा, मैं जाऊँगा वहाँ पर उसके नज़दीक और उसको गोलियाँ मार के जो है ना गाइज यहाँ पर उस गुफा से सबसे पहले बाहर निकालूंगा। गुफा से जैसे वो बाहर आएगा उसके बाद उसको ज़मीन के नज़दीक लेके आऊँगा, नागिन को बाहर निकालूंगा, उसके ऊपर बैठूंगा और इजी पीजी उसको टेम कर लूंगा। क्या बोलती पब्लिक? गुफा के अंदर उसको टेम करना और नॉकआउट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर गुफा के अंदर वो नॉकआउट होकर लावा बीवा में गिर गया ना तो उसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस जो है ना वो डाउन हो भाई। ठीक है आ जाओ बेटा। अरे 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 बोले बेटा आजा आजा बाहर निकल। हाँ अरे बाहर निकल कर मेरी पीटी बना देगा, निकल भग जा। अरे भग बेस क्या, बाहर तो निकल जाएगा, मेरी उल्टी पेटी ना बना दे। काफ़ी चला गया। इस गन से मैं उसको उतना टॉर्पर नहीं दे सकता यार, इस गन से उसको उतना टॉर्पर नहीं दे सकता मैं भाई, तो दिक्कत वाली बात है। अरे भग लाड़ पे उठ रहा था भाई, जैसे उठा भाई ये जैसे उठा रहा उसको डायरेक्टली वैसे भाई बेहोश कर दिया वापस से मैंने। ओके नाइस नाइस। कितना टॉर्पर चढ़ा, कितना टॉर्पर चढ़ा, रुक जाओ देखने दो मेरे को गाइस। 600 के एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। प्लान ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, रुक जाओ रुक जाओ। अगर वो वहाँ पे अटका हुआ है तो मैं अपने ओरिजिन वाले जो एरो है गाइस वो मार सकता हूँ उसके ऊपर। क्या बोलते हो? वो पत्थर में अटका हुआ है ना गाइस, रुक जाओ। मैं ओरिजिन वाले एरो तो भाई अभी 200-300 बना सकता हूँ। बेटा तेरा क्या हालत है? इसकी क्या हालत है? इवॉल्व कर लूँ क्या? 3 हो गए गाइस, इसको इवॉल्व कर लेते। आजा बेटा क्या चाहिए क्या? अरे तेरा केबल विबल चाहिए भेज क्या? कहाँ से केबल लेके आऊँ मैं? इटर्नल केबल चाहिए और इटर्नल अल्फा केबल चाहिए। अरे ये केबल कहाँ से लेके आऊँ मैं इसको इवॉल्व करने के लिए अभी? वेट अ मिनट गाइस, ठीक है ये कोई केबल विबल बना सकते हो क्या तुम? इटर्नल केबल बना सकते हो? 10 बना दे बेटा। और ये भी 10 बना दे भाई। भाई यहाँ पे 10 के बाद 30 बन गए भाई। ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो। एंड यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को एक चीज़ बनाने के डालनी, सबसे पहले मेरे को बनाना है गाइस यहाँ पे ऑर्ब भाई। ठीक है स्पिरिट ऑर्ब नाइस वन। एंड उसके बाद बनानी मेरे को नार्कोटिक ओरिजिन वाली भाई। ठीक है एक नहीं भाई, एक से काम नहीं बनेगा, मेरे को ओरिजिन वाली 10 एरो तो कम से कम चाहिए होगी यार। ठीक है ओरिजिन वाली 10 एरो गाइस यहाँ पे बन रही है, मतलब नार्कोटिक बन रहा है। नार्कोटिक को कन्वर्ट करके जो ना गाइस अपन यहाँ पे एरो बना देंगे भाई। ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सबसे पहले ले लेता हूँ एंड एरो, एरो बता मेरे को ट्रैंक। हाँ भाई नाइस वन, काफ़ी बढ़िया गाइस। ठीक है लेट्स गो। 9 एरो जो है ना गाइस वो बन चुकी है मेरे पास। वो कहाँ पे चला गया भाई? मेरा स्पेशल हथियार कहाँ पे है भाई? मेरा धनुष चवाण की तरह डाल दिया, ये रहा गाइस धनुष्यवाण इधर रहा अपना गाइस। ठीक है एंड ये अपनी गन यहाँ पे, ये भाई धनुष्यवाण इधर लगा देता हूँ, इसके अंदर मैं एरो डाल देता हूँ, काम हो चुका है। एंड ये किबल जो है ना गाइस वो इस इवो कॉम्पी को खिला के इसका सेकंड वाला जो इवोल्यूशन है ना गाइस वो मैं निकाल लेता हूँ भाई। ठीक है रुक जाओ गाइस। ले बेटा ये ले बेटा, इवॉल्व हो जा भाई एंड जो बचा हुआ सामान है वापस दे दे भाई। अरे रुक, अरे रुकना, अरे अरे यार एक मिनट रुक जाओ, जब तक बन रहा है फटाफट मैक्स लेवल कर लेगा क्या? पता नहीं यार मैक्स लेवल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी यार। रुक 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 रुक, अरे रुकना भाई, अबे तेरी मैक्स लेवल नहीं करी अभी तक मैंने भाई। अरे रुक जा 40, 50, 60, 70 भाई। अरे खिला इसको भाई जल्दी जल्दी भाई, मैक्स लेवल कर ले, मैक्स लेवल कर ले बोल करने से पहले। ओगा 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 ओगे 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 ओगे। हाँ भाई भाई मैक्स लेवल हो गई यार, मैंने लेवल अप ही नहीं करी थी उसकी, 89 लेवल हो चुकी है भाई। ठीक है लेट्स गो, अभी इवॉल्व होने वाला है गाइस ये रैप्टर में भाई। ठीक है हाँ बस बस, नहीं नहीं ज़्यादा लाड़ भी नहीं आना भाई, ये भी कोई खास रैप्टर नहीं है गाइस, ये भी जो ना गाइस जैसा भाई फालतू सा ही रैप्टर है भाई, इसका कोई भी यूज नहीं होता। मेरे को अगला इवोल्यूशन जो है ना गाइस वो करने के लिए चाहिए होंगे यहाँ पे टोटल 10 फ्यूल भाई। ठीक है तो ये फ्यूल बनने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। चलो आ जाओ अभी अपना जो अधूरा काम है ना गाइस वो जाके फटाक से पूरा करके आते हैं भाई। ठीक है लेट्स गो। ओके एंड लास्ट लोकेशन पे जाओ क्या? हाँ लास्ट ही लोकेशन पे चल रहा गाइस। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, अभी यहाँ पे जो ना गाइस एक खतरनाक सा काम करने वाले अपन गाइस। यहाँ पे इम्पावर्ड वाला डायनो नहीं होता ना तो इजीली मैं नॉकआउट कर लेता यार, इम्पावर्ड वाला है यार। अबे यार ये डायनोज उल्टा, रुक जाओ नाइस 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 नाइस, काफ़ी बढ़िया काफ़ी काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। और ज़्यादा नज़दीक नहीं, और ज़्यादा नज़दीक नहीं। अरे हिलना नहीं वहाँ से बेटा, बेटा 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 क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ठीक है लगी क्या? अरे बाप रे भाई 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 गाइस एम देख रहे हो तेरे भाई का? अरे तेरे भाई जैसा कोई हाड़ी नहीं मारेगा क्या? मारेगा क्या?
अरे सच में मार रहा है, कान पड़ गए भाई, कान फाड़ अटैक दे दिया भाई इसने, कान फाड़ और भी कुछ फाड़ अटैक दे दे। ए कहाँ पे चला गया? अबे कान फाड़ अटैक तो दे दिया लेकिन वाइब्रेन कहाँ पे चला गया? अबे अंदर ही घुस गया क्या? एक मिनट कहाँ पे चला गया गाइस? अबे भाई इतनी मेहनत करी यार इसके लिए भाई, ऐसा मत करो यार गेम वालों। नहीं भाई नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानता ही नहीं भाई। भाई कहाँ पे वो ग्लिच भी हो गया क्या कहीं पे? नहीं मेरे को नहीं लग रहा ग्लिच। अरे वो रहा, अरे भाई वो वहाँ पे बेहोश पड़ा यार, मेरे को किडनी में हार्ट अटैक आ गया था भाई। रुक जाओ, ए मैंटिस, मैंटिस जाके उसको उंगली करेगा यार। रुको रुको रुको, इसको सबसे पहले भगवान के पास पहुँचा दो। नाइस वन, ऑल राइट, अभी बस मेरे को जाके इसको जो ना गाइस और खिलाना है। अरे यार ये कहाँ से आ गया अभी? इधर आ इसके। चलो भाई इसको अभी तक भाई 3 से 4 बार नॉकआउट कर चुका हूँ यार फायर वाइब्रेन को। गाइस अभी बस जाके इसको जो ना गाइस मेरे को और खिलाना है एंड अपने पास आ जाएगा एम्पावर्ड वाला स्पिरिट वाइब्रेंट। गाइस मजाक हो रहा है क्या? लेट्स गो भाई। और गाइस आपको बता दूं कि 200 लेवल के केओस वाले एम्पावर्ड जो है ना गाइस यहाँ पे थाइलो ने भाई लास्ट जो हमारा पिकॉन रिवेंज बॉस होता है उसको पेला था, तो इसकी लेवल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। ये मत बोलना कि सिर्फ 200 लेवल का है, क्योंकि 200 लेवल का डायनो जो है ना गाइस वो भी काफी कुछ कर सकता है यहाँ पे। अभी जो है ना गाइस सबसे पहले मेरे को इसकी जो है ना गाइस मैक्स लेवल अप करने है भाई, ठीक है? पहले इसकी मैक्स लेवल अप करूंगा एंड उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा वाइब्रेंट है वो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है भाई, ठीक है? ले बेटा फटाक से जो ना गाइस इसके भाई हेल्थ में थोड़े से पॉइंट डाल लेते हैं, इसके भाई सारे के सारे पॉइंट मैक्स टू मैक्स पॉइंट जो है ना गाइस इसके अपन डैमेज में डालेंगे, क्योंकि मेरे को इस वाइब्रन का जो डैमेज है ना गाइस वो एकदम तगड़ा वाला चाहिए भाई, ठीक है? 46 ओके, आई थिंक 60 या 70 पॉइंट जो है ना गाइस वो इसके डैमेज में यहाँ पे जाने वाले। ओके लेट्स गो, हो गया भाई, हो गया, मैक्स लेवल हो चुका है। मेरे को बताना भाई तेरा हेल्थ कितना है? 200 मिलियन हेल्थ है और 5 लाख गाइस इसका डैमेज है एंड तो लगभग 300 मिलियन गाइस इसका हेल्थ है भाई, ठीक है? आ जाओ अभी क्या करेंगे इसको, इसको खिलाएंगे अपन इम्प्रिंटिंग वाला ये हमारा खतरनाक सा पेस्ट एंड टडान टडान लेट्स गो ब्रो। ओके ठीक है, ओके ग्लिच हो गया गाइस, ग्लिच हो गया, रुक जाओ इसको जो ना गाइस जब भी अपन इम्प्रिंटिंग पेस्ट खिलाते हैं ना उसके बाद भाई कभी कभी ये डायनो जो ना गाइस वो ग्लिच हो जाते हैं, तो बस इनको क्रायो करो एंड क्रायो करने के बाद वापस से बाहर निकालो एंड जब बाहर निकालोगे तब गाइस यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ हेल्थ थोड़ी ग्लिच दिखा रही है, डैमेज तो ठीक दिखा रहा है। हाँ भाई ये ले बेटे 700 मिलियन हेल्थ भाई यहाँ पे, और इसका डैमेज देखना चाहोगे गाइस? डैमेज देखना चाहोगे एम्पावर्ड वाले अपने खतरनाक से? ओ उतना ज़्यादा नहीं जा रहा ना गाइस डैमेज, गाइस उतना ज़्यादा नहीं जा रहा। कौन आ गया भाई यहाँ पे? एक मिनट रुक जाओ, कोई तो आ गया यहाँ पे, कौन है यहाँ पे? ओ फॉरेस्ट टाइटन गाइस, नहीं ये मत बोलना मेरे को भाई, क्या मजाक कर रहे हो क्या? एम्पावर्ड फॉरेस्ट टाइटन भाई, बट कैसे ये कैसे हो गया गाइस? एम्पावर्ड वाला फॉरेस्ट टाइटन में जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ गाइस। 2 मिलियन हेल्थ है भाई, इसको तो किसी भी कीमत पे मैं टेम करूंगा भाई। अगले एपिसोड में इम्पावर्ड वाला फॉरेस्ट टाइटन में टेम करने वाला हूँ भाई, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना भाई, ठीक है? इम्पावर्ड वाला भाई फॉरेस्ट टाइटन मजाक कर रहे हो क्या भाई? नॉर्मल वाला फॉरेस्ट टाइटन में काफी बार टेम कर चुका हूं लेकिन इम्पावर्ड वाला कभी टेम नहीं करा है। मैं अगले एपिसोड में जरूर टेम करूंगा इसका डैमेज। पहले अभी फिलहाल के लिए इस वाइब्रन का डैमेज देख लेते हैं भाई, ठीक है? इसका कान फाड़ अटैक भाई, कान बोला है मैंने, कान, ठीक है? गलत मत समझना, कान फाड़ अटैक भाई। ये देखो भाई, ले बेटा मेरा, अरे बाप रे गाइस कान पड़ गए भाई। ये अटैक जो ना गाइस ये भी डैमेज 31 मिलियन का ही दे रहा है। वैसे अगर इसके हम लेवल देखें ना तो लेवल के हिसाब से इसका डैमेज ठीक ठाक ही जा रहा है गाइस। 200 लेवल का ही है, इसको मैक्स लेवल का करने के बाद भी 300 लेवल का ही बनाया जा रही है, फिर भी काफी ओपी डैमेज दे रहा है गाइस। ये कौन है भाई? एपिक्स वाइब्रेंट है, ठीक है? नॉर्मल एपिक्स वाइब्रेंट है, मेरे को लगा कोई खतरनाक सा वाइब्रेंट है गाइस। तो गाइस एक बात बताऊं, सच बताऊं मेरे को इसका डैमेज उतना ज्यादा ओपी नहीं लगा गाइस, ठीक है? सच बता रहा हूं गाइस आपको जो ना गाइस हमारे इस वाइब्रन का स्पिरिट वाले वाइब्रन का डैमेज जो ना गाइस वो कैसे लगा आप मेरे को नीचे कमेंट मार के बता देना। मेरे को इसका डैमेज जो ना गाइस वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा था भाई 100-200 मिलियन जाएगा तो काफी सही रहेगा, लेकिन इसका डैमेज जो ना गाइस सिर्फ 300 मिलियन का यहां पे जा रहा है। इसके पास जो ना गाइस दूसरे भी कोई अटैक्स है एम्पावर्ड वाला बॉस,
चलो आ जाओ, इम्पावर वाले बॉस की पीटी बना लेते हैं, अपना स्पिरिट वाला अटैक देंगे भाई। खत्म बेटा, दे बेटा डोडो रेक्स की तो यहाँ पे पीटी बन गई भाई। टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया भाई डोडो रेक्स के साथ। खत्म क्या, और कोई स्पॉन ही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है गाइज, अभी जो ना गाइज इसका सबसे पहले आप लुक देख लो भाई। लुक में जो ना गाइज एक नंबर है भाई। ये देखो, देख रहे हो, देखो इस तरफ देखो, ये देखो, देख रहे हो गाइज, देख रहे हो, हर एक हड्डी दिखाई दे रही है गाइस इसके बॉडी के अंदर की गाइस। और इसके बॉडी के बीच में जो ना गाइस एक स्पिरिट वाला ऑर्ब है भाई, जो हमने इसको खिलाया था ना गाइस वही ऑर्ब इसके बीचों बीच है। और लुक देखो गाइस, इंपावर्ड वाली स्पिरिट वाइब्रेंट का। अगर ये हाई लेवल का होता ना तो भाई मैं लिख के देता हूँ कि ये हमारा जो केओस वाला ताइलो है ना गाइस उससे भी ज्यादा ओपी बन जाता। लेकिन अभी इसकी लेवल सिर्फ 300 है, उस रीजन से इसका डैमेज जो ना गाइस उतना ज्यादा नहीं जा रहा है। अगर देखा जाए तो इसका डैमेज जो ना गाइस फिर भी ठीक ठाक ही यार, 60 मिलियन का जा रहा है भाई डैमेज। मजाक कर रहे हो क्या? ये देखो भाई, ये सारे जो बॉस देख रहे हो इनको एक फटके में मार सकता है भाई ये देखो, ये देखो। अरे यार अटैक कर रहा है, अरे कान फाड़ अटैक भाई, कान फाड़ अटैक। ये देखो भाई, सबकी पेटी बन गई गाइस, सबकी पेटी बना सकता है भाई ये वाइब्रेंट अपना। उतना भी ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन मेरे को उतना खास नहीं लगा। आपको वैसे गाइस ये वाइब्रेंट जो ना गाइस वो कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना। चलो आ जाओ भाई, थोड़ी सी जो ना गाइस इससे भाई मस्ती कर लेते हैं भाई यहाँ पे अपने आइस वाले भाई में। जो भी भाई बॉसेस बिजनेस दिखेंगे ना गाइस उनकी पेटी बनाएंगे अपन भाई। क्या कोई बॉस ऐसे बम चिकी चिकी बम बम डालते हुए घूमू क्या? अरे कान फाड़ अटैक भाई। ले बेटा, ले बेटा, अरे बाय 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 बाय, सबकी पीढ़ी बना रहा है यार अपन, सबकी पीढ़ी बना रहा है। ले बेटा बाय 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 बाय, हर तरफ जो है ना गाइस सिर्फ बम चिकी चिकी बम बम ही पड़ रहे हैं भाई। ठीक है चलो गाइस, और ज्यादा तबाही नहीं मचाते। आपको जो है ना गाइस हमारा वाइब्रेंट कैसे लगा मेरे को जरूर बता देना नीचे कमेंट मार के। इसको टेम करने के लिए हमने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली ऐसा मेरे को लग रहा है। इससे ज्यादा तो पावरफुल हमारा केओस वाला थाइलो है, लेकिन उसकी लेवल भी थोड़ी सी ज्यादा थी ना गाइस। चलो कोई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इस वाइब्रेंट के लिए अच्छे अच्छे और खतरनाक वाले नाम नीचे कमेंट में डालना नहीं भूलना। और अगले एपिसोड में पहली बार जो है ना गाइस हम यहाँ पे टीम करने वाले पावर्ड वाला फॉरेस्ट टाइटन, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के गाइस, आर्क इटर्नल प्लस ट्रांसफॉर्म के। अरे यार कान फाड़ अटैक, यार कान फाड़ देता है भाई ये इसका अटैक। तो गाइस मिलता है सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। How careless we yeah. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.